नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको आईपीएल से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ देते रहे। दोस्तों, चेन्नई भले ही प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जरूरी 16 अंक के साथ कट ऑफ तक पहुंच गई हो, लेकिन वह शुक्रवार को मुंबई के खिलाफ होने वाले आईपीएल मैच में जीत के जरिए शीर्ष स्थान पर अपना स्थान मजबूत करना चाहेगी। चेन्नई सीजन में घरेलू मैदान में पिछले 5 मैचों से अजेय रही है, अब उसे घर में जीत का सिक्सर लगाने का इंतजार होगा। 3 बार की 2 चैंपियन टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम ने 2 हार के बाद फिर से वापसी की। उसने शेन वाटसन की आक्रामक पारी की बदौलत मंगलवार की रात को यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद पर 6 विकेट से जीत हासिल की। अब मेजबान टीम शुक्रवार को भी इसी लय को जारी रखना चाहेगी। चेन्नई ने वॉटसन की फॉर्म में वापसी का स्वागत किया, लेकिन टीम उम्मीद कर रही होगी कि सुरेश रैना, अंबाती रायडू और केदार जाधव नॉकआउट चरण से पहले फॉर्म में आ जाए। दोस्तों, जाधव का फॉर्म में वापसी करना अहम है, क्योंकि विश्व कप इस टूर्नामेंट के बाद ही है। गेंदबाजों ने अभी तक चेन्नई की सफलता में बड़ी भूमिका अदा की है, विशेषकर घरेलू मैदान पर जहां की पिच काफ़ी धीमी है। वहीं काफ़ी सुधार करने वाले दीपक चहर आने वाले मैचों में शुरुआत और अंतिम ओवरों में अपनी चतुर गेंदबाजी से काफ़ी अहम होंगे। 16 विकेट चटका कर टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर चल रहे इमरान ताहिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में विकेट नहीं ले सके, लेकिन इस दक्षिण अफ्रीकी अनुभवी क्रिकेटर से साथी गेंदबाजी रविंद्र जडेजा और हरभजन सिंह के साथ मिलकर मुंबई इंडियंस के ताकतवर बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ने की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों, मुंबई की टीम 10 मैचों में 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वह राजस्थान के खिलाफ हार के बाद यहां पहुंची है और प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखने के लिए बेताब होगी। मुंबई इंडियंस के लिए सफ़र अभी तक उतार चढ़ाव भरा रहा है और शुरुआती चरण के अंत में उन्हें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, रोहित शर्मा के रूप में टीम के पास चतुर कप्तान है, जो आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करता है, और साथ ही उनके पास मजबूत बल्लेबाजी इकाई है, जिसमें क्विंटन डीकॉक, कायरन पोलार्ड, पांड्या ब्रदर्स के रूप में हार्दिक और कुणाल भी शामिल है। जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी भी चेन्नई की बल्लेबाजी से सतर्क होगी, जिसमें वॉटसन ने फॉर्म में वापसी कर ली है और इसमें भरोसेमंद धोनी भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले बात करें सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले खेलते हुए नजर आएंगे शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसिस, इसके बाद 3 पर सुरेश रैना, 4 पर रायडू, 5 पर जाधव, 6 पर धोनी, 7 पर जडेजा, 8 पर ब्रावो, 9 पर दीपक चहर, 10 पर हरभजन सिंह और 11वें नंबर पर इमरान ताहिर खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, बात करें मुंबई की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर सबसे पहले खेलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ क्विंटन डीकॉक, इसके बाद 3 पर सूर्य कुमार यादव, 4 पर कुणाल, 5 पर पोलार्ड, 6 पर हार्दिक और 7 पर कटिंग या फिर मैकलिनगन, 8 पर राहुल चहर, 9 पर मयंक मार्कंडे, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर लसित मलिंगा खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिसाब से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।